नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सलाम। और मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल होम गार्डन पे। तो दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो है जैविक खाद। हरित क्रांति भारत में 70-80 के दशक में शुरुआत हुई और उसके बाद हमारे यहाँ दोस्तों रासायनिक खादों का इतना प्रयोग हुआ ज़मीन पर खेती में के उत्पादन केवल बड़ा 4-5%, लेकिन हमारी जो ज़मीन है वह बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। हमारे वातावरण में जहर घुलता जा रहा है, ज़मीन की उर्वरा जो शक्ति है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और जब वैज्ञानिकों ने उसकी पड़ताल की तो जो उसके कारण निकल के आए हैं मित्रों, वो हैं कि हम रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। अब ज़मीन से उपाय तो थोड़ी बहुत हमने बढ़ा ली है, लेकिन आज हमारा बेहतर है, लेकिन हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकारमय होता जा रहा है इस रासायनिक खाद की वजह से। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ, वो है जैविक खाद। लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि जैविक खाद कैसे बनाया जाता है। तो जैविक खाद बनाने के कई तरीके हैं, मैं उनमें से आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये बड़े स्तर पर बनाने के लिए हम एक बड़े प्लास्टिक के ड्रम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें अपने गार्डन के लिए बनाना है तो दोस्तों इन छोटे छोटे जो आप बास्केट देख रहे हैं, बास्केट और ये कलर की बाल्टी है डिस्टम्बर की खाली, और मैं आपको जो इसमें सामान पड़ते हैं वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जैविक खाद बनाने के लिए जो सबसे मुख्य घटक है वो है गोबर, देसी गाय का गोबर, देसी बैल का गोबर। अगर ये दोनों ना हो तो फिर देसी भैंस या भैंसे का गोबर भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा अगर आप बड़े स्तर पर बनाना चाहते हैं तो 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो या 1 क्विंटल एक मानक बना के तैयार रखें। गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र ले सकते हैं, देसी भैंसे का ले सकते हैं, देसी सांड का ले सकते हैं। और अगर शहर में है आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों आप सादा पानी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर गोमूत्र मिल जाए तो फिर क्या कहना, बहुत ही बढ़िया जैविक खाद आपकी बनेगी। और ये देखिए, तीसरा इसका जो घटक है वो है गुड़, और ये ऐसा गुड़ होना चाहिए जो पुराना हो, जो हमारे यूज नहीं आ सकता। जितना पुराना ये गुड़ होगा दोस्तों, उतना ही आपका जैविक खाद बेहतर बनेगा। ये मिट्टी महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों कि ये पीपल के नीचे से ली गई है। आप पीपल के नीचे से, बरगद के पेड़ के नीचे से या गूलर के पेड़ के नीचे से ये मिट्टी ले सकते हैं। ये इस मिट्टी को जो लेने का कारण है वो दोस्तों ये है कि ये जो पेड़ हैं इनके नीचे बहुत ही उपयोगी जीवाणु पनपते हैं जो हमारी जैविक खाद बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और उनसे ही जैविक खाद बनाने की क्रिया आगे बढ़ती है। तो आप ये मिट्टी लीजिए। तो मैंने आपको ये चारों घटक बताए, तो इसका अनुपात ऐसा होता है जैसे अगर आपने 10 किलो गोबर लिया हुआ है तो लगभग 10 लीटर ही गोमूत्र या पानी होना चाहिए। आपके पास 25% या 20% आपका गुड़ होना चाहिए। जैसे 10 किलो आपके पास गोबर है तो लगभग 2.5 किलो या 2 किलो आपके पास गुड़ होना चाहिए। उतनी ही मात्रा में मिट्टी होनी चाहिए, 2 किलो या 2.5 किलो मिट्टी होनी चाहिए। और एक और एग्रीमेंट है इसका, जो आप देख सकते हैं ये दाल के छिलके हैं। आप बेसन ले सकते हैं या दरी हुई दाल ले सकते हैं, ऐसी दाल ले सकते हैं जो यूज हो चुकी हो और जो ख़राब होने वाली हो, जिसमें कीड़े पड़ गए हों या जो आपके उपयोग लायक ना हो। तो मैंने आपको बताया गाय का गोबर, गाय का पेशाब, पीपल के नीचे की मिट्टी, पुराना गुड़ और दाल का चोकर।
आप बेसन भी ले सकते हैं पुराना जो ख़राब हो चुका हो। आपके पास एक ऐसी डंडी भी होनी चाहिए दोस्तों, आप प्लास्टिक की डंडी यूज कर सकते हैं, मैंने ये नीम की डंडी यूज कर रहा हूँ। तो शुरुआत हम करेंगे, सबसे पहले जो हमने गोमूत्र लिया है उसमें हमें अपना गोबर मिला देना है। ये देखिए मैंने उसमें गोबर डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें जो आपने गुड़ लिया है उस गुड़ को मैंने मिला दिया है। फिर दाल को ले लीजिए आप, ये कोई ख़ास कठिन काम नहीं है दोस्तों, आपके पास केवल ये सभी सामग्री होनी चाहिए। अब हमारे पास मिट्टी रह गई है, वो उस मिट्टी को भी हम धीमे धीमे इसके अंदर डाल देते हैं। तो आप देखिए ये मैंने चारों पदार्थ जो इसके घटक थे, गोबर, गोमूत्र, दाल का चोकर, गुड़ और बरगद के पेड़ के या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, चारों को मैंने इस प्लास्टिक की बाल्टी में, बास्केट में डाल दिया। अब आप इसमें ऐसा करें कि अगर आपके पदार्थ डूबे हुए ना हो तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, और उसके बाद जो मैंने जो डंडी बताई थी छड़, वो लीजिए आप। और उसे आप ऐसे इस मिश्रण को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए, हिला दीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेज, प्रथम चरण जैविक खाद बनाने का लगभग पूरा हुआ। और इस मिश्रण को आपको किसी छायादार जगह पर रख देना है, जैसे पेड़ हो, पेड़ नहीं हो तो आप अपने गार्डन में जहाँ कहीं आपके छाया हो, धूप ना आती हो, वहाँ इसे रख देना है। और हर सप्ताह 5-7 दिन बाद इसे आप इसे हल्के हल्के ऐसे चला दिया करें। दोस्तों ये जैविक खाद बहुत ही हाई जनरेटेड है, बहुत ही उपजाऊ होता है, और इसका उपयोग ऐसा करना है कि जैसे 15-20 दिन बाद ये तैयार हो जाता है तो उसके बाद सीधे सीधे 100 से 150 गुना पानी, जैसे 10 किलो आपके पास जैविक खाद है तो 100 लीटर पानी में आप इसे मिला लीजिए। और अगर आपका खेत खाली है तो आप किसी मग्गे से या किसी बर्तन से सीधे खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आपकी फसल लगी हुई है तो आप फिर इसे, जैसे आप पानी दे रहे हैं तो जो नाली होती है उसमें धीमे धीमे डालते रहें, जिससे ये पूरे खेत में पहुंच जाए। दोस्तों ये एक वैज्ञानिक खाद है और वैज्ञानिक लोगों ने इसका पूरी तरह सर्वेक्षण, निरीक्षण, परीक्षण किया हुआ है। इससे फसल में 20 से 40% तक वृद्धि देखी गई है, और ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट नहीं होती, धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप भी अपने गार्डन में जैविक खाद ज़रूर बनाएं, क्योंकि यह इतनी बढ़िया है दोस्तों के पश्चिमी देश, विकसित देश धीरे धीरे उनके यहाँ रासायनिक खादों पर रोक लगाई जा रही है, क्योंकि रासायनिक खाद के जो पदार्थ हैं, जो हानिकारक तत्व हैं दोस्तों, फसलों, ज़मीन से फसलों में जाते हैं, फसलों से उनके जो पदार्थ होते हैं जैसे गेहूँ हैं, चना हैं, फल हैं, फ्रूट्स, वो उनमें आ जाते हैं, और जब हम उन चीज़ों को खाते हैं तो वो नष्ट नहीं होते, वो हानिकारक तत्व हमारे अंदर भी आ जाते हैं। भैंसों के दूधों में, गाय के दूध में, बकरी के दूध में जब परीक्षण किया गया तो यूरिया का जो मुख्य पदार्थ है, जो हानिकारक तत्व है, वो उनके दूध में भी पाया गया। और दोस्तों सबसे खतरनाक बात यह है कि जब मानव दूध में भी, यानी माताओं के दूध में भी
परीक्षण किया गया तो यूरिया या डाई जो फास्फेट है वो हानिकारक तत्व तो माताओं के दूध में भी पाया गया। तो दोस्तों बस यही उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे हमें शुरुआत करनी है, अपनी पारंपरिक खेती की तरफ लौटना है, क्योंकि रासायनिक खादों से हमारी खेती का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैंने आपको ये छोटे स्तर की तकनीक बताई है लेकिन बहुत कारगर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर बनाएंगे और अपने गार्डन में, अपने बगीचे में आप अपने फूलों को, फलदार पेड़ों को इससे बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ही आपको जैविक खेती, हर्बल ट्री, हर्बल प्लांट और भारतीय सांस्कृतिक ऐसे पेड़ जो आप अब तक आपने केवल सुने हैं उनसे संबंधित वीडियो जल्दी जल्दी अपडेट करूँगा। आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको गार्डनिंग की ललक भी पैदा होगी। तो फिर आप देर ना करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमें क्या करना है कि जैसे अपनी स्टंडी को निकाल कर इस बास्केट को ऐसे कवर भी कर देना है, और फिर हम अब इसे छायादार स्थान पर 10 से 15 दिनों के लिए रख देंगे, और बीच बीच में समय मिलने पर इसे अपनी डंडी की सहायता से हिलाते रहेंगे। तो आप भी यही काम कीजिए। ये देखिए आपकी जो जैविक खाद है वो बनने के लिए तैयार है। तो धन्यवाद आपका।